हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अभ्युदय एकेडमी चैनल में। हम अपने वीडियो में वर्क फ्रॉम होम एंड पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताते हैं, फ्रीलांस जॉब के बारे में भी बताते हैं। इस वीडियो में हम आपको कॉपी पेस्ट कैसे करें इंटरनेट पे, इसकी जानकारी देंगे। दोस्तों, हमारे व्यूअर्स ने हमें लिखकर भेजा है कि उन्हें बताएं कि वो इंटरनेट, एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह वगैरह पे कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे। तो हमने एंड्रॉयड मोबाइल पे कैसे करेंगे ये हमने पिछले वीडियो में बनाया है। इस वीडियो का और उन तमाम वीडियो का जिस पे हमने पार्ट टाइम जॉब आप कैसे कर सकते हैं और उस पे किस जॉब पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैसे जॉब्स बिड करना होगा, उसकी जानकारी दी है। वो सारे वीडियो के लिंक हमने इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहां जाकर आप उन लिंक्स को क्लिक करें और उन्हें देखें और वहां से कैसे अपन को रजिस्टर कर सकते हैं वैसे रजिस्टर करें और जॉब उठाएं और काम करें। दोस्तों, चूंकि ये जो कॉपी पेस्ट का काम है ये बड़े आसानी से हो सकता है और कम समय में हो सकता है, बगैर ज्यादा सीखे हुए या कोई हाई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये हाउसवाइफ भी कर सकते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा लोग इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं। और इसीलिए कई व्यूअर्स ने ये जानने की कोशिश की है कि कॉपी पेस्ट का जॉब कैसे होता है। तो हम इसको दो तीन वीडियोस में अलग अलग बना के आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो की जानकारी लेने के लिए बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहें ताकि हम आपको बड़े सिंपल ढंग से ये बता सकें कि कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं। इसको हम बड़े छोटे छोटे 3 या 4 स्टेप में आपको समझा देंगे ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, एक आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं कि कॉपी पेस्ट इंटरनेट पे कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं कि हम किसी भी चीज को कॉपी कैसे करेंगे, किसी भी टेक्स्ट को या मैटर को कॉपी कैसे करेंगे, ये जानना जरूरी है, क्योंकि पहले जब आप किसी चीज को कॉपी करेंगे तभी उसको पेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को ओपन करें जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा कि अब जहां से आपको कॉपी करना है, मतलब जिस पोर्शन को आपको कॉपी करना है, जिस शब्द से जिस शब्द तक का मैटर आपको कॉपी करना है, वहां पे जाके कर्सर क्लिक करें माउस से। उसके बाद जो माउस क्लिक किया है उसे छोड़े नहीं, उसको दबाए हुए रखे हुए सेलेक्ट करते हुए वहां से बिना क्लिक को छोड़े हुए आप माउस को वहां तक ले जाए जहां तक का टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है, तो वहां तक का टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये पूरा पोर्शन जो है उस पे एक स्ट्रिप से दूसरी लाइन टाइप रंग आ जाएगा, तो ये पूरा चीज सेलेक्ट हो गया, यानी कि इतना सेलेक्टेड मैटर आप कॉपी करना चाहते हैं। अब सेलेक्ट टेक्स्ट के अपर राइट में जाकर क्लिक करें तो वहां पे एक मेनू खुलेगा और चौथा स्टेप है कि इस टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए ऊपर जो मेनू है उसमें जो कॉपी वर्ड आया है उस पर जाकर जब आप क्लिक कर देंगे अपने माउस से तो ये पूरा मैटर कॉपी हो जाएगा। इसका जो एक और आसान तरीका है कि जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो की पैड पे आप Ctrl+C कर सकते हैं, तो उससे भी आपका पूरा चीज कॉपी हो जाएगा। सेलेक्ट करने के लिए भी आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है कि आप जो है जो शिफ्ट है उसको दबाएं और जो आपका एरो बटन है ऊपर नीचे अगल बगल, तो उसको जब आप क्लिक करेंगे और लगातार करते जाएंगे तो उससे भी जितना मैटर आपको जरूरत है उतना आपको सेलेक्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात जो है कि हम किसी मैटर को पेस्ट कैसे करें, तो इसका स्टेप 1 यानी कि सबसे पहला काम आपको करना है कि जहां पर मैटर आपको पेस्ट करना है, किसी भी इनपुट फील्ड को ओपन कर ले जहां पर आपको मैटर पेस्ट करना है। स्टेप 2 में आप उस इनपुट फील्ड पर राइट क्लिक करें, यहां एक मेनू ओपन हो जाएगा और आपको मैटर क्लिक करना है।
जो ये मेन्यू खुलेगा, इस ये मतलब तीसरे स्टेप में जो ये मेन्यू खुलेगा वहां पे पेस्ट लिखा हुआ आएगा, आप वहां पे जाके पेस्ट को क्लिक कर दें तो ये मैटर प्लेस्ड हो जाएगा। आप पूरे मैटर को कर्सर क्लिक करने के इनपुट के बाद कंट्रोल प्लस वी भी अगर करते हैं तो ये मैटर पेस्ट हो जाता है। तो इस तरह दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इंटरनेट पे किसी भी मैटर को कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, तो इसका आप लाभ उठाएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें ताकि हम आपको आपके सुझाव पे और अच्छे वीडियो आपके जरूरत के बना के दें। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, तो हम आपको उस सवाल का भी अपने रिसर्च टीम से रिसर्च कराकर मोस्ट ऑथेंटिक आंसर नए वीडियो में देंगे, ताकि उससे सभी लोग लाभ उठा सके। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमारी और जो जानकारी है जो हमने दूसरे वीडियो में दे रखा है उसे भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखना ना भूलें और लाभ उठाएं।